मैंने आप लोगों को बहुत तरह के बिजनेस बताए हैं, उसमें से कुछ बिजनेस ऐसे थे जो आप शहर से रहकर कर सकते हो और कुछ बिजनेस ऐसे थे जो गांव से कर सकते हो। लेकिन क्या है, जो हमारी ऑडियंस है ना, वो ज्यादातर गांव से है और लोगों के कमेंट भी आते रहते हैं कि सर ऐसा कोई बिजनेस आइडिया बताइए जिसे हम अपने गाँव में रहकर बड़ी अच्छे से कर सकते हैं। अब मैंने बहुत ही, ये कमेंट मेरे पास अब से 3-4 दिन पहले आई थी, तो मैं 3-4 दिन से मेहनत कर रहा था कि गांव में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो अच्छा खासा कर लिया जाए और 4 से 5 हज़ार रुपये की रकम लगाकर उस बिजनेस को अच्छा खासा कर लिया जाए। इस 2024 के अंदर मैं आज आपको ऐसा बिजनेस आइडिया देने वाला हूँ जो गाँव में इतनी ज़्यादा उस बिजनेस की डिमांड है ना, यदि आप लोगों ने वो बिजनेस कर लिया तो आप महीने के 50-60 हज़ार रुपये बड़े आराम से कमाने लग जाओगे, मात्र 5-6 हज़ार रुपये आप अपने घर से लगा। बस आपको करना क्या है कि आपको या तो कोई साइकिल चाहिए या फिर एक बाइक चाहिए। यदि आपके पास बाइक है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपके पास साइकिल है तो उसमें थोड़ी सी आपको बस मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अपने घर से रहकर ही आप इस बिजनेस को बड़े आराम से कर सकते हो। बिजनेस आइडिया इतना धमाकेदार होना वाला कि ये मान के चलो अगर यदि आपने इसे कर लिया तो आप इसी 2024 के अंदर अपनी गरीबी को दूर कर लोगे, अपनी बेरोजगारी की समस्या को दूर कर लोगे। मैं ऐसे तो आपको बहुत बिजनेस आइडिया दिए हैं, आप ये कर लो। लोगों का कमेंट भी आता है कि भैया 20 से 30 हज़ार रुपये के बीच में कोई बिजनेस आइडिया बताओ, मेरे पास 20-30 हज़ार रुपये है। लेकिन मैं अभी आप लोगों को देखते हुए कि भाई कोई ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो 4 से 5 हज़ार रुपये के अंदर ही हो जाए, क्योंकि देखो 10-20 हज़ार रुपये हमारे पास अगर हो गए तो हम और अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि 5-6 हज़ार रुपये लगाकर कोई बिजनेस करा जाए इस 2024 के अंदर। यदि आप 5-6 हज़ार रुपये लगाओगे, अगर आपने एक महीने भी उस बिजनेस को कर लिया और वो अगर आपका बिजनेस नहीं भी चलता है तो वे 5-6 हज़ार रुपये आपके उस बिजनेस से रिकवर हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो मेरी आज भी आप लोगों से वही बात रहेगी कि वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करना, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो करना सिर्फ क्या है, हमें करना है इस वीडियो को एंड तक देखना है, ना ही वीडियो को शेयर करनी है बिल्कुल भी। किसी को भी शेयर मत करो यार, बस इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आप लोगों को पहले खुद से सेट होना है। यदि आप लोग खुद से सेट हो जाओगे ना इस 2024 के अंदर, खुद से अपना कोई बिजनेस कर लोगे, तो मेरी बात मान के चलो महीने के 40-50 हज़ार रुपये बड़े आराम से कमाने लग जाओगे। 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी से कहीं ज्यादा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है एक नौकरी के अंदर। मैंने भी करके देख रखी है कि 10-12 हज़ार रुपये कमाने के लिए एक महीने किस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए आज की इस फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो मेरा बिजनेस आइडिया क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। बिजनेस आइडिया है, ये बिजनेस आइडिया गांव में इतना ज्यादा चलता है कि हर गांव का कोई भी घर हो या आपके आसपास कोई भी गांव हो, उसमें कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसके अंदर ये प्रोडक्ट यूज ना होते हो और डेली बेसिस पे यूज होते हैं, लोग जिन्हें डेली लाते हैं और डेली यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दो प्रोडक्ट दिखाऊंगा। सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा ये देख सकते हैं, हमारे यहाँ इसे लोकल भाषा में फैन बोलते हैं। ये सुबह के टाइम चाय के साथ नाश्ते में लिया जाता है और गांव में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है ना, गांव में या आपके यहाँ आसपास चाय की शॉप होगी, दुकान होगी, उन पर इतनी ज़्यादा इन चीज़ों की डिमांड रहती है कि भाई साहब आप माल लाओगे ना तो वो एक दिन में ही आपका सारा माल बिक जाएगा। मैं आप लोगों को 5 से 4 हज़ार रुपये के बीच में बिजनेस बता रहा, लेकिन वो 5 से 4-5 हज़ार रुपये का आप माल लेकर आओगे ना, वो पहले दिन ही आपका ख़त्म हो जाएगा, इतनी ज़्यादा मार्केट में डिमांड रहती है इस फैन की। आपके यहाँ लोकल भाषा में इसे क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर से बताइयो, हैं? और दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है ये वाला, हमारे यहाँ लोकल में सरस बोलते हैं, इसे टोस भी बोलते हैं। ये इस तरह का प्रोडक्ट है, इस तरह की इनकी पैकिंग होती है, ये देख सकते हैं 1 किलो की इसकी पैकिंग है और इसकी जो है ये 1.25 किलो की पैकिंग है, ये इस तरीके की। ये आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, मेरे साइज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको देखने में कितना बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मात्र इसमें 1.25 किलो ही वजन है। इसके अंदर जो पीस है ना, ये मार्केट में 2 रुपए का बड़ी आसानी से बिकता है और जो इसके अंदर टोटल पीस है 100 पीस इसके अंदर आए हैं, 1.25 किलो के अंदर 100 पीस है इसके अंदर टोटल पूरे। तो ये जो हमारे 100 पीस होगी 200 रुपए का मार्केट में जो बिकता है, जो आप फुटकर में से बेचोगे, ठीक है। आप इसे होलसेल में आपको करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फैन हमारे पे तो बनाने नहीं आते, हम इसे लेकर कहाँ से आएंगे, या फिर ये टोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये हम कहाँ से लेकर आएंगे। अब ये तो आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको सीधा इसका सोल्यूशन बता दूँ। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि अपने आसपास के एरिया में कोई बेकरी देखनी है जहाँ पर इस प्रकार के प्रोडक्ट बनते हो, आपको उस बेकरी पर जाना है और उनसे माल खरीदना है। अब जो ये वाले ये है ना, ये फैन,
ये आपको बेकरी पे 100 रुपए पर किलो जी के हिसाब से मिलेंगे। आप 100 रुपए ये जो है एक आपको थोड़ा सा इससे अच्छी क्वालिटी में मिलेगा, वो 120 रुपए किलो मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना कि ये जो हल्के वाले है वो थोड़ा सा भारी वाला होता है, तो आपको 100 रुपए पर के जी के हिसाब से आप इन्हें खरीदना है। आपने 1 किलो खरीदे ठीक है 100 रुपए के हिसाब से, तो 125 रुपए में आपका 1.25 किलो माल आ गया, यानी कि आपके 100 पीस आ गए। अब आप इसे मार्केट में सेल कितने का करोगे? आप इसे मार्केट में सेल करोगे 160 रुपए का। 125 का आपने खरीदा, आप इसे 160 रुपए का इसे सेल करोगे, सीधा सीधा आपको कितने का मुनाफा हो गया? 35 रुपए का। एक पैकेट पे आपको पूरा प्रॉफिट होगा 35 रुपए का, एक इस तरह के पैकेट पे। जो दुकानदार है वो उसे 2 रुपए का पर पीस के हिसाब से बेचेगा, तो उसे एक जो पूरे 100 है उसे उसका 200 रुपए का बिकेगा, उसे 40 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट होगा। अब ये एक प्रोडक्ट हो जाता है 70 रुपए के हिसाब से है। अब इसके अंदर जब 1 केजी आप लाओगे टोटल इस तरीके का, आपको बना बना पैकिंग वोकिंग कुछ नहीं करनी, आपको सिर्फ वहां से बेकरी से इस तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे बने बनाए, ठीक है। आपको पैकेजिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। 70 रुपए का आपको ये मिलेगा, ठीक है। 80 रुपए का आपको मार्केट में से सेल करना है, ठीक है। जो 1 रुपए का इसके अंदर एक ये पीस है, 80 रुपए का आप इसे सेल करोगे तो इस पे आपको 10 रुपए का मार्जिन होगा। और जो फैन है ना ये इस तरीके का, ये वाले, इस पे आपको ज्यादा मार्जिन होगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और मार्केट में आजकल इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसके ऊपर आपको सीधा सीधा 35 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। यदि आपने 10 ये इस तरह के पैकेट भी एक दिन में निकाल दिए तो 350 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है मेरा भाई, आप जितना दिन में काम करोगे, यदि आपके पास बाइक है तो आप बहुत ज्यादा गाँव करोगे। एक गाँव के अंदर कम से भी कम ये मान के चलो कि 20-20 दुकानें होती है गाँव के अंदर, 20 दुकानों पर आप उन्हें जाओ, थोड़ा सा अपना अगर 35 रुपए का आपका मार्जिन पड़ रहा है, ठीक है, आप थोड़ा सा 5 रुपए अपना मार्जिन और घटा दो, उसे थोड़ा बढ़ा के दो, क्योंकि देखो मार्केट में कंपटीशन तो और बिजनेस में होता है, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, लेकिन मार्केट में आप जाओगे तो आप इसे थोड़ा सा 5 रुपए का अपना मार्जिन कम करके दोगे, दुकानदार को लगेगा मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो वो इसे आसानी से खरीदेगा आप लोगों से। अब आप लोगों ने एक गांव एक घंटे में आराम से कवर कर लोगे, आप एक गांव आपने कवर कर लिया ना, 20 पैकेट आपने एक जगह सप्लाई कर दिए, तो आपको सीधा सीधा 600 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। यदि आप 30 रुपए का भी अपना मार्जिन रखते हो, 600 रुपए का आपको पहले दिन से प्रॉफिट हुआ, आपने 5000 रुपए का माल खरीदा, आप उनमें 600 रुपए प्लस कर दोगे, आपके कितने हो जाएंगे? 5600 रुपए हो जाएंगे। आपको शुरू में अपना प्रॉफिट नहीं देखना, लाभ हानि कुछ नहीं देखना यार बिल्कुल भी, क्योंकि हमें अपना बिजनेस सेट करना। जब एक हफ्ते तक आपका हो जाए 10000 रुपए आपके पास इसी काम से, ठीक है, 10000 रुपए आपके पास हो जाए, तब जाके आपको अपना प्रॉफिट बचाना है। जब आप एक दिन के 1000 रुपए पर डे के हिसाब से कमाने लगो, 30000 रुपए आपके महीने के आने लगे, देखो 10 से 12000 रुपए की नौकरी से इसको बेचने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है। 10-12000 रुपए की नौकरी करोगे, 8 घंटे ड्यूटी करोगे, और इसमें आपको 5 घंटे काम करना है अपने आसपास के गांव में। अगर आप 5 गांव भी कवर करोगे, एक गांव में 20 दुकानें होती है, ठीक है, 20 दुकानें, 5 घंटे काम करने में आपको कोई हर्जा ही नहीं है। यदि आप 5 घंटे काम कर लोगे, मैं गारंटी से कह रहा कि 1000 रुपए आपके पर डे के हिसाब से कहीं नहीं गए। और खुद का बिजनेस अपने घर रहकर करना, अपने गांव बस्ती में रहकर करना, शहर में देखो मैं बता दूं शहर में भी इन चीजों की डिमांड है, ठीक है, लेकिन शहर में क्या है थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा और भी लोग, गाँव में इन चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड है। आप लोग यदि गाँव में रहते हो, आप लोगों ने इस तरीके से इस तरीके के प्रोडक्ट भी गाँव में देखे होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर से लिख देना। और हां दोस्तों, हमारे चैनल पर इसी तरीके की वीडियो मिलती रहती है, यदि आपको मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सब्सक्राइब मत करना, यदि आपका मन है वीडियो अच्छी लगी हो तो कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमें अपना 2024 के अंदर बिजनेस सेट करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार वीडियो में, ऐसे ही 10 से 5000 रुपए के अंदर किसी बिजनेस आइडिया में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।